बांग्लादेश के साथ इंडिया का जब भी मैच होता है तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ खटका लगा रहता है, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जो इंडिया के सामने रैंकिंग में कहीं स्टैंड नहीं करती है, लेकिन ये हमेशा मैचेस में इंडिया को दुख देती है। और कल भी मुझे ये उम्मीद थी इनसे, क्योंकि खासतौर पर देखिए जब बैटिंग विकेट होता है तो बैटिंग विकेट में वहां पे थोड़ा रैंकिंग का जो डिफरेंस रहता है वो नलिफाई हो जाता है, क्योंकि देखिए बल्ला सभी के पास है और आखिर को है तो इंटरनेशनल टीम। लेकिन जिस तरह से उन्होंने, एक तो सबसे पहले उनको सेटबैक लेने लग गया कि वो शाकिब अल हसन उनका इनफेक्ट होके बाहर हो गया। शाकिब अल हसन देखिए वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर है, तो वो उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, उसने इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म भी किया है और वो इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करता है। वो बात अलग है कि आईपीएल में आके उसको पता नहीं क्या हो जाता है कि वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट वो काफी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रही है। विराट कोहली को उसने 5 बार आउट किया हुआ है, 11 बार जो खेला है वो विराट कोहली के अगेंस्ट, तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, फिनोमिनल रिकॉर्ड है। और लेकिन उसके बाद देखिए आप कि शंटो जो उनका कप्तान बना, अब वो हालांकि मुझे ये लगता है कि बैटिंग टॉस जीत के बैटिंग करने का जो डिसीजन था उसका पहला, अब वो उसका अकेले का खुद का नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो ये टीम मैनेजमेंट पहले से ही डिसाइड करता है कि हमको क्या करना है। और ये तो देखिए अब इनके पास सबसे अच्छा मैच जीतने का मौका था, या मैच जीतने का नहीं भी अगर मैं कहूं तो इंडिया को फाइट देने का सबसे अच्छा मौका ये था कि जब ये बाद में बैटिंग करते। ये इन्होंने देखिए T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी इंडिया के साथ जो इनका मैच हुआ था उसमें इन्होंने इंडिया को मुश्किल कर दी थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऐसी बेवकूफी करते हैं, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में भी इनको जब बाद में रेन इंटरप्शन के बाद इनको कुछ 10 ओवर में इनको 78-72 कुछ ऐसे रन बनाने थे और इनके 8 विकेट बाकी थे इनके हाथ में, लेकिन वहां से भी ये मैच हार गए। वहां पे भी लिटन दास ने उल्टा सीधा शॉट मार के वो आउट हो गया। अब कल के मैच में देखिए किसी भी, ये इंडिया के सामने एक परेशानी हो सकती थी अगर ये पहले बैटिंग करते तो देखिए हमेशा जो स्कोर सेट करने का जो प्रेशर होता है वो कितनी भी बड़ी टीम हो उनको ये कभी मालूम नहीं रहता है कि विकेट जिस तरह से खेल रहा है इस पे क्या स्कोर अच्छा होगा। और 350 रन भी अगर इंडिया बना दे और बाद में ये बैटिंग करने आते, 88 रन का जैसा इनका ओपनिंग स्टैंड था, बाद में जिस तरह से बैटिंग आसान हो गई थी और पुणे का ग्राउंड भी छोटा है, जिस तरह के फियरलेसली उनका वो जो ओपनर खेल रहा था तंजीद हसन, बहुत ही अच्छी बैटिंग की उसने, वो बाद में बैटिंग करने में कुछ और हो सकता था। खैर ये तो बाद की बात है कि हार्दिक पांड्या हमारा अनफिट हो गया था पहले बॉलिंग करते हुए, वो सिचुएशन होती या नहीं होती वो बाद की बात है, लेकिन आपको अपने आप को एक अच्छा मौका देना चाहिए जो कि बांग्लादेश ने नहीं दिया। इनके पास बहुत अच्छा मौका होता जब ये बाद में इंडिया की बॉलिंग को थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकते थे। एक तो इनको ध्यान रखना चाहिए सारी टीमों को कि एक हमारे यहां तो वो एक भर्ती का खिलाड़ी है शार्दुल ठाकुर, जिसको कि आप अच्छे से पीट पाट सकते हो, उसके 10 ओवर में आप ये 80 रन भी बना सकते हो, लेकिन पता नहीं क्यों टीमें भूल जाती हैं। और अभी ये मान लीजिए कि ये जो रोहित शर्मा का ये जो टोटका ही मैं कहूंगा अब इस बात को कि 8वें नंबर पे उसको बैट्समैन चाहिए इसलिए वो शार्दुल ठाकुर को खिलाता है, अदरवाइज उसको शमी को खिलाना ही खिलाना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि जब से इसने ये शार्दुल ठाकुर को खिलाया इंडिया के 5वें नंबर से नीचे बैटिंग ही नहीं आ रही है। इवन अभी तक किसी भी मैच में जडेजा की भी बैटिंग नहीं आई है, तो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है कि इंडिया के ऊपर के बैट्समैन चल रहे हैं। तो हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बैटिंग इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शार्दुल ठाकुर 8वें नंबर पे आके आपको 50 रन बना के दे देगा। शार्दुल ठाकुर से आप 20 रन की उम्मीद कर सकते हैं, जिसकी भी कोई गारंटी नहीं है, अभी तक उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन ठीक है चलिए अब ये तो डिबेट चलती ही रहेगी और मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें अपना टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर तो खेलेगा। और रहा साहा अब ये जो हार्दिक पांड्या का जो अनफिट हो गया है कल, अब पता नहीं उसकी सिचुएशन कैसी है, हालांकि टीम मैनेजमेंट तो कह रही है कि कोई सीरियस बात नहीं है और छोटा मोटा उसको मोच आई है पैर में और वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा और हम उसको कंटिन्यूअसली वॉच करेंगे ऐसा करेंगे। तो क्योंकि अगर देखिए हार्दिक पांड्या अगर इंजर्ड हो जाता है और 1-2 मैचेस उसको मिस करने पड़ते हैं, तो मुझे तो खैर हालांकि वो जिस तरह से वो उसको चोट लगी थी मुझे तो ये लग रहा था कि हो सकता है वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा है कि ऐसा नहीं हुआ और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को टीम में वापस जल्दी लाने की इनको भी जल्दी नहीं करनी चाहिए,
उसको अभी क्या है, चार में से चार मैचेस आप जीत चुके हो। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप देख लो, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट धर्मशाला में मैच है, और जैसा साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच में मैच हुआ था, जिस तरह से बॉल स्विंग हो रहा था वहां पे, तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या होता तो खैर बहुत अच्छी बात होती, लेकिन वहां पे शार्दुल ठाकुर काम कर सकता है, नहीं तो आप शमी को खिला लो। हालांकि कॉम्बिनेशन थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी इनको, क्योंकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स अच्छे हैं, हो सकता है कि इंडिया को भी बैटिंग में प्रॉब्लम हो जाए, ऊपर से बैट्समैन ना चले, वो सब बात की बात है। लेकिन अभी तो देखिए आपके पास जो है आप बेस्ट उसी से करने की कोशिश कर सकते हैं। बांग्लादेश ने यहां कितनी बड़ी गलती की, शुरू में 10 ओवर में 63 रन बनाए, उसके बाद 88 रन तक ये लोग लेके गए। तंजीद हसन बहुत अच्छा खेल रहा था, हालांकि वो अंडर 19 का लड़का है, अभी उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो आउट हो गया। अब हालांकि आउट क्या हुआ, वो तो कुलदीप यादव ने आउट कर दिया। मतलब इंडिया की बॉलिंग में सबसे अच्छी चीज ये हो रही है कि जब इनको पहले स्पेल में विकेट नहीं मिलते हैं, बैटिंग सामने वाली सेट हो जाती है, तो ये लोग बाद में आके विकेट ले लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है, और इसका क्रेडिट तो खैर बॉलर्स को मिलना ही चाहिए। ऐसा ये कोई भगवान भरोसे नहीं हो रहा है, ये इन लोगों की स्किल है, तो इस वजह से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है कि सेकेंड स्पेल में ये लोग आके विकेट लेते हैं, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इन्होंने यही किया था, और कल के मैच में भी कुलदीप यादव ने आउट किया। फिर उसके बाद जडेजा ने बहुत ही गजब की बॉलिंग की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कल पुणे के ग्राउंड पे जडेजा इतनी अच्छी बॉलिंग करेगा, और फिर खैर उसके बाद तो बांग्लादेश जिस तरह से वो गड़बड़ करते हैं हमेशा की तरह, वैसे ही उन्होंने किया। और उसके बाद मुशफिकर रहीम क्या और क्या, कोई भी खेल नहीं पाया ढंग से। मुशफिकर रहीम तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अपने लिए ही खेल रहा था, उसको थोड़ा सा अग्रेसिव होके खेलना चाहिए था। और फिर रही सही कसर इन्होंने वहां पूरी कर दी, जब वो महमूदुल्लाह इतना अच्छा, उसने पहले मैच में भी बैटिंग की थी, तो कल उसको सातवें नंबर पे बैटिंग क्यों करवाई। अब कहने को वह एक महमूदुल्लाह फिनिशर है, अब फिनिशर है तो इसका क्या मतलब है, अगर आप अच्छे निक में हो और जब शाकिब अल हसन नहीं है, तो कम से कम आप दो नंबर ऊपर आ सकते हो, या कम से कम एक नंबर ऊपर आ सकते हो, सातवें नंबर पे बैटिंग कराने का क्या मतलब है, जिसका नतीजा उनको भुगतना भी पड़ा। खैर वो उसके पास तो ओवर्स ही कम पड़ गए थे, और फिर इंडियन बॉलिंग के अगेंस्ट आप कितना मार सकते हो। जसप्रीत बुमराह ने हालांकि उसको आखिरी ओवर में ही आउट किया, लेकिन उसको ज्यादा बॉल्स मिली नहीं, उसने क्या 36 बॉलों में 47-48 रन बनाए। उसको अगर ज्यादा बॉल खेलने को मिलती तो वो ज्यादा रन बना सकता था, क्योंकि विकेट बहुत आसान था बैटिंग करने के लिए। खैर 256 रन जब बनाए, उसके बाद इंडिया की बैटिंग शुरू हुई, तो अब हमको तो समझ में आ गया है कि इंडिया की बैटिंग का टेम्पलेट क्या है। रोहित शर्मा शुरू हो जाता है, और ये शुरू में तो बॉलर्स के बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट है ये जो सिचुएशन है और जो रूल्स हैं कि 10 ओवर में दो ही फील्डर बाहर रहेंगे, तो उसका फायदा इंडियन बैट्समैन तो कम से कम बहुत ज्यादा अच्छी तरह उठा रहे हैं। एक वो भिखारियों की बात आप छोड़ दो, वो तो टेस्ट मैच की तरह ही खेलते हैं, ये उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम ये पहले 10 ओवर का फायदा उठा लें, लेकिन उनके बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन की तो दम ही नहीं है। मुझे लगता है कितनी 1300-1400 बॉले हो गई हैं जब उन्होंने पावर प्ले में छक्का नहीं मारा है, और यहां तो हमारे यहाँ एवरेज 2-3-4 छक्के पड़ते ही हैं पावर प्ले में। तो ये टेम्पलेट है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया को होम कंडीशन बहुत सूट कर रही है। अरे इंडिया को होम कंडीशन सूट करने के लिए आपको उस तरह से खेलना भी तो पड़ता है। बाकी टीमों को नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये जितनी भी टीमें हैं, एक भिखारियों को छोड़ के बाकी सारी टीमों के प्लेयर्स तो आईपीएल में आके खेलते हैं, इनके लिए और इंडियंस के लिए यहां ग्राउंड्स का कोई डिफरेंस नहीं है। सबको मालूम है कि कौन सा ग्राउंड कैसे खेलता है, किस ग्राउंड की क्या डिमेंशन है, किस ग्राउंड में क्या होता है, कौन सा ग्राउंड बॉलिंग को फेवर करता है, कौन सा स्पिन होता है, कौन सा फास्ट बॉलिंग को करता है, ये सभी को मालूम है कि ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंडर्स, इंग्लैंड वाले ये सारे यहीं पड़े रहते हैं 3-3-4-4 महीने, तो इनका क्या है, लेकिन इसके बाद भी यूटिलाइज तो नहीं कर पा रहे हैं ना, टीम ही गलत सेलेक्ट करके लेके आ गए, तो अब इनके बारे में क्या किया जा सकता है। तो इसका क्रेडिट इंडिया को मिलना चाहिए। फिर शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने अच्छी धुआंधार शुरुआत कर दी, और वहां तो जब वो यही शुरुआत करते हैं, हालांकि इन्होंने भी पावर प्ले में एग्जैक्टली 63 रन बनाए जो बांग्लादेश ने बनाए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रोहित शर्मा खेलता है वो डिमोरलाइज कर देता है बॉलिंग साइड को, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही होता है कि बॉलर्स बड़े डिप्रेस हो जाते हैं कि अब करें तो करें क्या, और सामने वाली टीम के कप्तान को तो समझ में आता नहीं, वो वैसे भी शंटो तो अभी बच्चा ही है, उसको क्या कप्तानी समझ में आएगी। लेकिन यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सीरियस शिकायत है शुभमन गिल से। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, ये दोनों लोगों ने कल इतना बड़ा मौका मिस किया है, मेरे हिसाब से तो श्रेयस अय्यर की तो बैटिंग ही नहीं आनी चाहिए थी,
शुभमन गिल ने जिस तरह का गंदा शॉट मारा है, 50 रन बनाने के बाद आप छक्का मारने चले गए। देखिए यही फर्क है विराट कोहली में और बाकी बैट्समैन में। अब देखिए मैं ये नहीं कहता कि विराट कोहली की तरह बैटिंग रोहित शर्मा नहीं कर सकता, वो कर सकता है, लेकिन रोल्स यहां पे प्रॉपरली डिफाइंड है कि रोहित शर्मा को शुरू में आके क्या करना है। अगर विराट कोहली ओपन करेगा तो उसका भी रोल वही होगा जो रोहित शर्मा कर रहा है, लेकिन चूंकि रोहित शर्मा ओपनर है तो उसका रोल डिफाइंड है कि उसको पहले 10 ओवर में फोड़ फाड़ के बॉलर्स को डिप्रेस कर देना है। वो काम कर रहा है और उसमें फिर रिस्क होती है आउट होने की, तो वो हो जाता है आउट। लेकिन शुभमन गिल को आउट नहीं होना चाहिए था। कल के मैच में देखिए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने इतनी बड़ी गलती की है, उनको मालूम होना चाहिए था कि यू आर वन बैट्समैन शॉर्ट, हार्दिक पांड्या बैटिंग नहीं कर सकता था। ये बात इन लोगों को बहुत अच्छी तरह पता थी, तो इन लोगों को और ज्यादा कॉशस होकर खेलना चाहिए था। जब आप सामने वाली टीम को एक मौका देते हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो पूरा का पूरा मैच पे कब्जा कर ले। और ये तो खैर बांग्लादेश वाले इनके बस की नहीं थी, अगर कोई और दूसरी अच्छी टीम होती, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी, तो ये लोग पकड़ लेते हैं वहां पे जाके। लेकिन ये बहुत बड़ा, बहुत ही गंदा शॉट मारा है शुभमन गिल ने, मैं इसको कभी भी माफ नहीं करूंगा इस शॉट के ऊपर। 50 रन बनाए वो बात अलग है, लेकिन कल के मैच में आपको विकेट फेवरेबल था, बॉलिंग बिल्कुल आपकी फ्रेंडली टाइप की बॉलिंग हो रही थी, तुम्हें भी सेंचुरी बना के जाना चाहिए था, छक्का मारने की क्या जरूरत है। और तुम सुरमाई दिखा रहे हो कि ग्राउंड पे वहां जहां फील्डर खड़ा हुआ तुम वहीं छक्का मार रहे हो, उसके हाथ में चली गई बॉल और आउट हो गए, और उसके बाद आउट होकर जाके बाहर जाके आप तालियां बजा रहे हो विराट कोहली की बैटिंग देख के। विराट कोहली में और बाकी प्लेयर्स में यही फर्क है, और यही श्रेयस अय्यर ने भी बेवकूफी की। श्रेयस अय्यर को समझना चाहिए कि श्रेयस अय्यर अभी आया है तो उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 50 बनाए उसके अलावा कोई उसका स्कोर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो वो कबाड़ा करवा ही चुका है अपना, और पूरी टीम का भी करवा दिया था उसने। लेकिन कल के मैच में अच्छा खासा विकेट है, कोई बॉलिंग में दम नहीं है, तुम बेवकूफों की तरह शॉट मार के आउट हो गए। ये श्रेयस अय्यर के फेवर में बिल्कुल भी नहीं जाती ये बात, और ये इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से कोच को क्लास लेनी चाहिए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों की, और अच्छा जरा जोरदार शब्दों में इनकी धमकाना चाहिए इनको। खैर उसके बाद जो विराट कोहली ने जो बैटिंग की है वो तो क्लासिकल बैटिंग थी। विराट कोहली को इसीलिए चेस मास्टर कहा जाता है, देखिए ये काम करना बहुत आसान है, लेकिन पता नहीं क्यों ये इस लेवल पे खेलने वाले बाकी बैट्समैन नहीं कर पाते हैं। जब आपको मालूम है कि एवरेज कुछ भी नहीं है, रोहित शर्मा शुभमन गिल ने आपका काम आसान कर दिया है, आपको 4 की रेट से रन बनाने हैं, तो फिर आपको हवा में बॉल क्यों खेलनी है। और विराट कोहली की किस्मत से है, मैं कोई क्रेडिट नहीं स्नैच कर रहा हूं विराट कोहली से, विराट कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन किस्मत देखिए किसी आदमी की जब साथ में होती है तो पहली बॉल खेलने के बाद जो उसने 2 रन बनाए उसके बाद 2 नो बॉल मिल गई आपको, 2 फ्री हिट मिल गई, जिसपे एक पे चौका दूसरे पे छक्का, तो आपके 3 बॉल में 14 रन स्कोर हो गया। इससे ज्यादा ड्रीम स्टार्ट किसी बैट्समैन को क्या मिल सकता है इंटरनेशनल मैच में। खैर वो तो छक्का उसने पहली दूसरी बॉल पे ही मार दिया। अदरवाइज विराट कोहली की सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी भी रिस्की शॉट्स नहीं खेलता है, वो हवा में बहुत कम खेलता है। और मैं देखिए ये बात पहले भी कह चुका हूं कि जब आपको छक्का मारने में सिर्फ 2 रन का फायदा होता है तो आप फिर चौके की कोशिश क्यों नहीं करते हो। ये शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, इन लोगों को मेरी यही सलाह है कि आप ग्राउंडेड शॉट्स क्यों नहीं खेलते हो। आपको देखिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करो तो छक्का मारने में आपको फायदा होता है सिर्फ 2 रन का, लेकिन आपको बहुत बड़ी रिस्क होती है आउट होने की। तो अब इस बेसिस पे अगर आप अपनी एनालिसिस करें तो आपको फायदा किस चीज में है। ऐसा नहीं है कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है ग्राउंडेड शॉट मार के चौका मारने की, लेकिन आप छक्का मार के हीरो क्यों बनना चाहते हो। विराट कोहली ने यही चीज अपने बिल्कुल शुरुआती करियर से ही उसने ये काम किया है। वो ये जो टिपिकल जिसको कहते हैं ना कॉपी बुक स्टाइल की बैटिंग, वही काम आती है विराट कोहली को, वही काम आ रही है जो उसने कल 26,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं। ग्राउंडेड शॉट्स मारता है, और ऐसा नहीं है वो छक्के भी मार लेता है जब जरूरत होती है। जब बाद में 80 रन पे पहुंच गया, उसकी सेंचुरी आने वाली थी, तो खैर इसमें बहुत सारे लोग ये डिबेट कर सकते हैं कि वो केएल राहुल ने गलत किया, या जैसे पहले मैचेस में भी मैंने ये कहा है कि सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टीम का रन रेट बढ़ाने के लिए आपको जल्दी खेलना चाहिए। तो कल के मैच में भी वो डिबेट हो सकती है कि राहुल को रुकना नहीं चाहिए था, राहुल को कर लेना था, लेकिन अभी देखिए चौथा मैच है, तो चौथे मैच में अब जाके इंडिया की पोजीशन काफी कुछ ठीक ठाक हो गई है। कहने को तो देखिए टेक्निकली ये है कि राहुल को रुकना नहीं चाहिए था,
लेकिन अगर वो रुक भी गया तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉल्स का डिफरेंस नहीं पड़ता। हालांकि फिर वही बात है थ्योरिटिकली कि एक एक बॉल से नेट रन रेट इधर ऊपर नीचे होती है, और इस टूर्नामेंट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नंबर वन पे फिनिश करें, क्योंकि हमारा फिर नंबर तीन की टीम से मैच होगा सेमीफाइनल, तो वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए ठीक है, उसको एक बार इग्नोर भी कर दिया जाए तो केएल राहुल का जेस्चर बहुत अच्छा था, उसने पूरा पूरा मौका दिया। और जो आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार बात हुई कि जब विराट कोहली 90s में पहुंच गया, 95 पे था तब, उनके वो जो शरीफ अल इस्लाम जो बॉलर है उसने एक स्लोअर बाउंसर फेंका जो कि वाइड हो गया, तो उस टाइम तो बॉल अंपायर ने उसको वाइड दे दिया था। हालांकि उस टाइम वो इतना लंबा बाउंसर मारा था उसने कि वो साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये लोग विराट कोहली की सेंचुरी डिनाई करना चाहते हैं। जो बांग्लादेशी ये हरकतें कभी कभी करते हैं पाकिस्तानियों की तरह, ये खैर वो है तो वही ना, तो अब इनके बारे में क्या कहा जाए। और फिर उसके बाद जब ये 97 पे पहुंच गया विराट कोहली, उस टाइम फिर ये जो नसूम अहमद जो इनका बॉलर था लेफ्ट आर्म, उसने फिर एक लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल फेंकी, लेकिन इस टाइम अंपायर ने उसको वाइड नहीं दिया, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान ये चिल्ला रहा है कि अंपायरिंग फेवर कर रही है इंडिया को, और वो तो आईसीसी का अंपायर है और आईसीसी तो बीसीसीआई है और ये है और वो है। लेकिन यहां पे ये सारे नालायक लोग ये एक बात भूल रहे हैं कि एक इंटेंशन का भी सवाल होता है और यहां अंपायर का डिस्क्रिशन होता है। अंपायर के पास पूरा पूरा ये एविडेंस था कि पिछले ओवर में ही एक वाइड बाउंसर फेंका गया, जिस वाइड बाउंसर वो इतना ज्यादा वाइड था कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक देखिए बाउंसर किया जाता है बैट्समैन को आउट करने के लिए, और दूसरा बाउंसर जो ऐसा होता है जो बैट्समैन को रन डिनाई करने के लिए किया जाए। तो अंपायर के पास एविडेंस था कि ये पिछले ओवर में ऐसा कर चुके हैं, तो इनका इंटेंशन ये है कि चाहे इंडिया जीत तो जाए लेकिन विराट कोहली की सेंचुरी ना हो। तो नसूम अहमद ने जो बॉल फेंकी लेग स्टंप के बाहर वाइड, उसके ऊपर विराट कोहली ने गुस्सा भी दिखाया अपना, लेकिन अंपायर एक हल्की सी मुस्कान के साथ, रिचर्ड कैटलबरो जो अंपायर था उसने वाइड नहीं दी। बहुत सारे लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो तो वाइड थी और टेक्निकली तो वाइड थी, लेकिन यहां पे बॉलर का इंटेंशन देखना चाहिए। क्रिकेट गेम की खूबसूरती बचाए रखने के लिए वहां अंपायर ने उसको वाइड नहीं दिया, क्योंकि वो इंटेंशनल वाइड फेंकी गई थी बैट्समैन को अपनी सेंचुरी ना देने करने देने के लिए। इस पे दुनिया भर की डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अंपायर सही था, क्योंकि ये क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ हो रही थी बात, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कि अंपायर ने किया। अब अंपायर ने भी हालांकि ऐसा काम किया है कि उसको अभी काफी क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं कि अंपायर ने जो किया वो सही किया। हालांकि उसके बाद भी 255 ही स्कोर था, और अगर एक वो वाइड दे भी दी जाती तो भी विराट कोहली का 97 स्कोर था और इंडिया का स्कोर 256 हो जाता। इंडिया को फिर भी एक रन जीतने के लिए चाहिए था, और लास्ट बॉल में तो बॉल फिर विराट ने तो छक्का मार के ही मैच पूरा किया, तो ये तो विराट की सेंचुरी तो वैसे भी पूरी हो जाती। लेकिन देन एंड देयर डिसीजन होना बहुत जरूरी है, जो कि विद इन द स्पिरिट ऑफ द गेम खेला जाना चाहिए गेम, और वही किया अंपायर ने। तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही थी। कुल मिला के विराट कोहली की सेंचुरी भी हो गई, और मैं विराट कोहली को बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन जब वो अच्छा खेलता है तो उसमें कोई कारण बनता नहीं क्रिटिसाइज करने के लिए। कल विराट कोहली ने बहुत अच्छा काम किया, और मुझे तो बहुत ज्यादा परेशानी श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल से है। जब आपको मालूम है हार्दिक पांड्या नहीं है टीम में तो आपने ऐसा गंदा शॉट क्यों मारा? विराट कोहली को बहुत अच्छी तरह पता था, केएल राहुल को बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर हम आउट हो गए तो पीछे बैटिंग एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या आने वाला नहीं है, जडेजा की अभी बैटिंग का कोई भरोसा नहीं है, और शार्दुल ठाकुर को ये कहें भले ही 8वें नंबर का बैट्समैन, लेकिन इनको भी पता है कि उसकी पोल खुल सकती है। तो कुल मिला के मैच तो बहुत मजेदार हुआ, और हम बड़े खुश हैं। विराट कोहली की 78वीं सेंचुरी हो गई और इंडिया जीत भी गई। इंडिया 4 में से 4 मैच जीत गई, ठीक है। रन रेट में हम सेकंड हैं, तो अभी आप धर्मशाला में हम न्यूजीलैंड को हरा के बराबर आ जाएंगे, बराबर क्या ऊपर निकल जाएंगे, फिर हम टॉप पे आ जाएंगे टेबल में। मुझे नहीं लगता कि धर्मशाला में न्यूजीलैंड कुछ कर पाएगी, हालांकि वहां पे अगर स्विंगिंग कंडीशंस हुई तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स तो खैर ठीक हैं, लेकिन इंडिया के बॉलर्स भी कम नहीं है, तो वहां पे भी अभी केन विलियमसन नहीं है, और अगर हार्दिक पांड्या फिट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो शार्दुल ठाकुर वहां पे जरूर काम आएगा, और नहीं तो अगर शार्दुल ठाकुर नहीं तो शामी है,
तो ये लोग न्यूजीलैंड की नाक में दम वहां अच्छी तरह से कर देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है न्यूजीलैंड को धर्मशाला में हराना। और बाकी फिर आज का जो मैच है वो तो भिखारियों और ऑस्ट्रेलियंस का है, तो इसमें तो बहुत अच्छी तरह से एक तरफा धुलाई होने वाली है भिखारियों की, और ये मैच बड़ा मजेदार होगा, ये मैच देखने का मजा आएगा। मिलेंगे इस मैच के बाद। थैंक यू सो मच। आई एम विकास सक्सेना द बायस्ट एनालिस्ट।